सलाम वालेकुम वजीर भाई। वजीर भाई क्या बता रहे हैं आप? थरपारकर से ये सारा बड़ा जानवर जो है वो ये तकरीबन बैराज वाले इलाके में बैराज चला वाले जाता है। इलाके में इसलिए जाता है कि यहाँ पे चारा नहीं है। इस अच्छा, वक्त चारे का मसला बहुत ज़्यादा होता है। ये गंदम वगैरह की कटाई जैसे ही होना शुरू होती है तो ये जानवर लेकर चले जाते हैं बैराज के इलाके में। कौन से महीने से कटाई होती है? ये पिछले बस 2 महीने पहले मार्च मार्च इसमें लगा मार्च था। अप्रैल में कटाई होती है। तो ये जानवर सारा, ये असल में थर का जो बड़ा जानवर है, बछड़े हैं, गायें हैं, जो ये सारा जो ना वहाँ चला जाता है बैराज वाले इलाके जी हाँ में। जी हाँ बैराज वाला इलाका वो है, मतलब नहरी, हाँ नहरी जो जहाँ है पे नहरी पानी अवेलेबल है, और उसके अंदर हम यहाँ पे थरपारकर में हैं। तो हम लोग इस वक्त मिट्टी के करीब हैं। मिट्टी से पहले आपका बदीन आता है, बदीन से पहले जो इलाके आते हैं ना, जी वो सारे बैराज वाले इलाके हैं। सारे बैराज वाले इसमें आपका घारो, साकड़ो जी हाँ, और ठट्ठा उलार्जी है, ठट्ठा ठट्ठा है है, गोलार्ची है। जी हाँ तो ये सारे इलाके हैं, वहाँ पे ये माल चला जाता है। जी अच्छा, हाँ ये माल मैंने देखा है कि जब मच्छरों का टाइम आता है ना, जी हाँ बारिशें तो पड़ती हैं जब बारिशें पड़ती हैं, जी हाँ जी तो हाँ ये माल वहाँ से भी उठ के ऊपर पहाड़ के इलाके में चला जाता है, हाँ वहाँ पहाड़ के इलाके में भी जाता है, हमारे पास भी आता है वापस। वापस भी आता है। थर पार करके जो होता है ना, जिनका जो हाँ, थर पार कर का जो जानवर होते हैं वो थर पार कर की तरफ क्योंकि ही आते मैं हैं। जंगशाही में था, जंगशाही में मैं घूम रहा था आसपास, अच्छा जी, तो मैं देखा रोड पे पूरे पूरे रेवड़ पैदल ले लेके जा रहे हैं। ये एक जगह मई मैंने, अगस्त, मई और अगस्त में जो है ना जानवर हमारी तरफ भी जो है ना रोड पे होते हैं तकरीबन, हाँ, रेवड़ों के रेवड़ बहुत सारे इतना जो लंबा लंबा इनको ना 10-10 किलोमीटर जी चलाते हाँ हैं, तो जी जानवर कमज़ोर नहीं हो जाता? बस चलाते हैं, वरना इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फार्म, ये कराची में बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं, जी ये लोग तो जानवर को खुला भी नहीं छोड़ते, हाँ ये वो बस तो है, बांध के उसको खिलाते रहते, मोटा करते रहते। लेकिन थर पारकर में जितना ज़्यादा चलता है ना वही जो ना ज़्यादा वो मुस्तफ़ीद रहता है, सही रहता है, सेहतमंद भी रहता है। सेहतमंद रहता है। अच्छा, थर पारकर का जानवर दुबला पतला होता है, लेकिन जो ना इसका खाने का इसका गोश्त गोश्त का ताकतवर जायका होता अच्छा होता है, है। हाँ, सही। इसलिए कि जो ना पहाड़ों में चलता है मुख्तलिफ़ किस्म के जो वैसे भी ये ना जो चरने वाला जानवर होता है ना, जी हाँ इसके गोश्त में और जो फार्म पे खड़ा हुआ जानवर है उसके गोश्त में बड़ा बहुत फर्क ज़्यादा होता फर्क है। है वो चर्बी वाला गोश्त जी हाँ होता जी है, हाँ जी, इसमें चर्बी नहीं होती, इसमें नहीं होती। बहुत कम होती है। अच्छा, लेकिन एक मसला ये होता है कि मैंने लास्ट टाइम गुसाई दाद से ना ये थरी बछड़े लिए थे ना बड़े, तो उसमें वो जो बड़े वाले थे ना, उसमें एक दो ऐसे आ गए थे जो कि ये बैलगाड़ी में लगाते हैं, अच्छा वो फिर उसका कुछ जगह गोश्त सख्त होता है थोड़ा सा। तो चलें, एक बात ये बता दी आपने मुझे। दूसरा, आपने बकरों का बताया कि अभी अभी इस वक्त आज क्या तारीख है भाई? आज 17 तारीख 17 होगी, 17 17 मई, जी हाँ 17 मई इस वक्त है, और ये बता रहे हैं कि तकरीबन 15 दिन के बाद जो मौसम आएगा, हवाएं चलेंगी तेज़, जी हाँ और इस वक्त ये जो पीलू के दरख्त के ऊपर पीलू लगा हुआ है ना, वो सारा ख़त्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। और कौन कौन से दरख्त हैं जिसमें से चारा होता है? सिंगर सिंगर का चारा है सामने जो है सिंगर का दरख्त चारा। का है तो ये दरख्त जो है ना, जिनमें अभी चारा मौजूद है, ये इनके पत्ते वत्ते सब गिर जाएंगे, जी हाँ और उसके बाद लोगों के पास चारे की कमी हो जाएगी, जी क्योंकि हाँ तो फिर उनको जानवरों को दाना देने के लिए हाँ बकाया जानवर अपने को कुछ जानवर बेचने पड़ेंगे। जी हाँ जी हाँ किसी के पास 50 हैं तो वो 5 बेच देगा या 4 बेच देगा। जी हाँ जी हाँ तो फवक्तन फवक्तन हर हफ्ते के हिसाब से बेचते हैं, ये इसी से चारा बनाते हैं। तो उस टाइम पे फिर यहाँ पे जानवरों की कीमत गिर जाती है, हाँ अभी भी जो ना गिर रही है, अभी से ही शुरू हो गया है अभी ये गिरना शुरू हो भाव गई अभी है। जी हाँ हालांकि बकरीद करीब आ रही है, जी हाँ लेकिन ये चारे की कमी की वजह से अभी अगले 2 हफ्ते के बाद जी हाँ जी कीमत गिरने का चांस है। जी हाँ अच्छा, एक और बात आपने मुझे ये बताई कि थरपारकर के अंदर जो है ना, जानवर को खस्सी करने का रिवाज नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जितनी भी मंडी है, मिट्टी की मंडी है, डीपलो की मंडी है, या इस्लामपुर इस्लामकोट की मंडी है, और जुड नहीं जुड्डो नहीं, एक और भी आप लोग बता रहे थे, छाछरों छाछरो छाछरो की की है, मंडी शायद है, नंगर पार कर भी है नंगर पार करके। तो ये इन सब मंडियों में आपको खस्सी माल नहीं मिलेगा, सारा आंडू माल जी मिलेगा। हाँ जी, इक्का दुक्का अभी कोई मिल जाए अलग बात है, वो लेकिन अलग नहीं बात है। तो इसकी कोई खास वजह है कि यहाँ पे खस्सी नहीं करवाते? ये तो बड़ों से पता करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो ये है कि शायद जो है जानवर नहीं ज़्यादा वज़न नहीं करते या अच्छा बीमार हो जाते हैं, ऐसा अच्छा कोई मसला है जिस वजह से जो है ना ये कमी यहाँ के होती मौसम में मेरे ख्याल में खस्सी जानवर नहीं रहता है, होगा। शायद हाँ, नहीं ये होता बात है। है ना, मौसम जो आंडू जानवर है वो ज़्यादा मजबूत होता है, मजबूत होता है, हाँ तो ये इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा खस्सी जानवर, शायद ये शायद यही वजह होगी।
वजह है। अच्छा हमारे कराची में मसला ये है कि कराची में जो सुन्नी लोग हैं ना वो ज़्यादा खस्सी जानवर मांगते हैं और जो शिया हैं वो तो आंडू जानवर ले लेते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि खस्सी जानवर जो है ना ये तो ऐबदार हो गया उनके हिसाब से। तो बहरहाल अभी इस इलाके से अगर करीब तरीन मुझे कोई मंडी मिलेगी जहाँ खस्सी जानवर है तो वो जुड्डो की मंडी है। ये बात हुई, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। असल में अब हर वक्त में कैमरा लेके नहीं बैठ सकता, तो जितना मैं रिकॉल कर सका मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। ये असल में वज़ीर भाई मेरी आदत है, मैं नॉलेज शेयरिंग करता हूँ। जितना भी आप इल्म बांटते हो ना उतना इल्म लौट कर आपके पास आता है, तो इंशाल्लाह और भी आपसे सीखेंगे, आते रहेंगे आपके पास। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।